जय श्री राम। तो अभी फ्लैग तो हम लोगों ने लगा दिया। तो गाइस घर के बाहर की लुक आप लोग देख सकते हो, अभी प्रॉपर अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन भाई क्या मस्त लग रहा है अपना घर, मजे आ गए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ, और आप सभी लोगों को पता ही है कि 22 जनवरी को अयोध्या में हमारे श्री राम जी का स्वागत करेंगे, तो इसलिए हम लोग अयोध्या तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम लोग घर पे ही अपने राम जी का स्वागत करेंगे, पूजा करेंगे और दिए लगाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग जैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, इसको भी हम वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे, और जैसे हमने दिवाली पे डेकोरेशन करी थी सेम हम वैसे ही डेकोरेशन करेंगे। तो अभी हम लोग जो है बाहर बिजली की लड़ियां लगाने जा रहे हैं घर के बाहर। बड़े दिनों बाद गाइस सूर्य देवता हमें देखने को मिले हैं। नहीं तो इतना मौसम खराब रह रहा था ना आजकल, ये दो दिन से अभी ठीक है, और रात को मैं बाहर था, मैं कहीं गया हुआ था काम से, और रात को फॉग भी नहीं पड़ी, जो कि बहुत अच्छी बात है यार। आपको पता है आप घर पे थे ना, हाँ दिल ही नहीं लगा, बहुत बोर हो जाते हैं जब आप नहीं होते घर पे, कोई होता ही नहीं है जिसको परेशान कर सकूं मैं क्या परेशान करने के लिए मम्मी को थोड़ी मैं परेशान कर सकती हूँ, मैं भी परेशान कर सकती हूँ, मैं क्या परेशान करने के लिए रखा हूँ। चलो यार गाइस यहाँ पे जो है बिजली की लड़ियाँ लगाते हैं, और जैसे ही अंधेरा होगा फिर आपको जलाएंगे भी। और गाइस ये देखो हमारे घर के बाहर ये फ्लैग भी लगा हुआ है, जय श्री राम जिस पे लिखा हुआ है, देख सकते हो। और किसी ने भी लगाया है क्या फ्लैग घर के बाहर? के रखे हुए थे हमने ना, डब्बों में ही भर दी थी ये सारी लड़िया, क्योंकि पता हमारे काम आएगी ये लड़िया ना, वैसे भी पता ही आपको वन टाइम यूज वाली होती है, बाकी देखते अभी कि खराब तो नहीं हुई इसमें से कोई लगा के। वन टाइम यूज नहीं होती वो, अच्छी वाली लड़ी लेके आया था। चाइनीज का मतलब ये नहीं है कि दूसरी बार यूज नहीं होंगी, चली तो चांद तक नहीं तो रात तक। सबसे पहले ना इन लड़ियों को चला के देख लेते हैं कि ये चल भी रही है कि नहीं। मैं भी ऊपर आ गए हैं हमारी हेल्प करने के लिए। तो गाइस कुछ इतनी लड़ियां हम लोगों ने लगा दी हैं, निधि वहां पे गोले बना के टेप लगा रही है, मम्मी यहां पे खोल के मेरे को पकड़ा रहे हैं, और मैं नीचे लमका रहा हूं यहां पे। तो गाइस लड़ियां हम लोगों ने लगा दी हैं, थोड़ा अंधेरा होगा ना फिर आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। ये छोटे छोटे बच्चे गली में शोर डाला हुआ है, इनका शोर सुन के ना मैं बाहर आ गया, और भाई ये बचपन की याद हमें दिलाते हुए, हम भी ऐसे ही खेला करते थे। और भी अड़ी ये तो मेरे को 4-5 दिन से बोल रहा है कि व्लॉग में ले लो, व्लॉग में ले लो। क्या नाम है? रॉबिन। मुझे भी ले लो। क्या? अंशु। शुभम। अच्छा एक बोल खड़ा हो फिर मेनू, ठीक है जा बोल ले क्या पहला। ओ बच्चे कह रहे हैं कि बोलना टाइम मेरे ये मेरे ने बॉल खेल ली है, इतना शोर बंदे ने, और तुम ठंड ठंड नहीं लगती चप्पलां जी फिरी जाने हो हैं, मैं तो ग्रामा करना तो शूज पा करो। तो गाइस अभी हम लोग भी जो है फ्लैग लगाएंगे, तो मैं फ्लैग लेके आया था, और मेरे को ना एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं यार, इतना महंगा फ्लैग बेच रहे हैं, मैं ये 150 रुपीज का लेके आया हूँ, जो कि बहुत गलत बात है। धर्म का प्रचार करो लेकिन दिल से करो, तो यार गलत बात है आप 50-60 रुपए वाली चीज को 150-150 रुपए का बेच रहे हो, ये मेरे को चीज गलत लगी। बाकी ये फ्लैग लेके आया हूँ इतना बड़ा, मैं कमेंट्स में एक बार लिख देना जय श्री राम, ठीक है इसको अभी लगाते हैं इसमें। आप लोग भी अपने घर में दिए जलाएं, ठीक है अच्छे अच्छा पकवान खिलाएं, किसी की हेल्प करें और दिवाली मनाएं यार, ठीक है डुगू जी। यस।
तो अभी फ्लैग तो हम लोगों ने लगा दिया है और अभी निधि साथ ही साथ काम भी इधर देखो, क्योंकि ठंड हवा इतनी चल रही है ना बार बार से छत पे। लुधियाना बोलते हैं इसको मैडम, शिमला नहीं, ठंडी हवा चलती है यहाँ पे। देखी नहीं है हवा। अच्छा ही, ये देखो गाइस, चाहे मम्मी हो चाहे निधि हो, मतलब अगर कपड़े उतारने मैं हूँ ना साथ में, तो बस ये अपनी ड्यूटी है, क्योंकि आप समझते हो ना अपनी ड्यूटी। ओ भाई साहब, आप समझते हो। अब फ्लैग कितना अच्छा लग रहा है, सही बात है। तो गाइस ये देख सकते हो हमारा फ्लैग, क्या बात है। और लड़ियां हम थोड़ी देर तक जलाते हैं, लड़ियां भी लगा दी थी। तो गाइस घर के बाहर की लुक आप लोग देख सकते हो, अभी प्रॉपर अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन भाई क्या मस्त लग रहा है अपना घर, मजे आ गए। तो गाइस मैंने ना शूज ऑर्डर करे थे, तो वो अभी आए हैं, तो इसको अनबॉक्स करते हैं। चलो मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूं। हां जी हां जी, अनबॉक्सिंग क्वीन। आपको तो लिख रहा हूं, अपनी जुबान से काट लो। कभी खुशी कभी गम, मजाक कर रहा हूँ। डुगू जी मेरी जुबान से तेज आपकी है। अच्छी जा लेके आ, रुक रुक अभी देखो, मेरे साथ अगर मजाक किया ना भारी पड़ेगा। यार शूज तो मेरे हैं, मेरे को अनबॉक्स करने दो ना यार। ओ नहीं, मैं क्यों करना, स्कैम हो गया। क्या हो गया स्कैम? मस्त आ गया ये तो। मस्त क्या मस्त आया बताना, ठीक है कैसे लगे? ये क्या मंगवाए है? जो मेरे को दिखाए थे वो मंगवाए थे ना? कौन से? अरे ये जिम के लिए थोड़ी ना, नहीं जिम वाले थोड़ी ना, ये तो ऐसे मंगाया मैंने, पेंट पुंट के। इतने तो है तुम्हारे पास? अरे ब्लैक कलर में कौन से हैं ये बता, अच्छे हैं कि नहीं? हाँ गाइस हम लोग कहीं ट्रिप पे जाने वाले हैं। अच्छे नहीं लगे? अच्छे लगे, बट कौन से ब्रांड के? कितने के होंगे? 500 के। गजब बेइज्जती है। ओ हेलो, क्वालिटी देख कितनी अच्छी है। कितने के होंगे? 1000 रुपए के होंगे, इससे ज्यादा नहीं। ओ हेलो, अपना मीशो वाला रेट मत बता यहाँ पे। हाँ 1400 रुपए के हैं ये। हाँ इतने घटिया क्वालिटी भी नहीं लग रही जितनी तू बोल रही है, इतने तो अच्छे शूज है। गई तो आप लोग बताना कैसे लगे शूज, ये क्वालिटी बहुत फाइन है यार, सोल भी कितना सही है, सारा कुछ सही है। ओके एयरपोर्ट, कितने अच्छे शूज हैं। कहाँ से देखो 500 वाले लग रहे हैं ये। लेट मी चेक कैसे, मैंने छोटा साइज ही मंगाया वैसे। मेरे को गाइस वैसे 8 नंबर आता है, पर मैं फिर भी एक नंबर छोटा ही डालता हूँ, 7 नंबर। देखो कैसे लग रहा है। क्या है? तू मेरी चुटकी है ना, निक्की सी चुटकी। ऐसे करके ना तुम्हें ऐसे कर दूंगी। अच्छा ला मैं चेक तो करूँ, आ भी रहा है मेरे साइज पूरा आ रहा है मेरे तो। अच्छा ये क्या है, ये पूरा आ रहा है? ऐसे मारूंगी। चुप रहा है। गाइस दो दिन पहले मौसम अभी ठीक हो गया था, ठंड थोड़ी कम हो गई थी, फोग भी नहीं आ रही थी, लेकिन आज धूप नहीं निकली और इतनी तेज हवा। और मैं अभी पहन रहा हूँ अपनी धर्मपत्नी जी द्वारा बुनी हुई ये जुराबे, क्या बात है। ये मैंने ना गाइस जब मैंने ये सॉक्स इनके लिए बनाई थी, उस टाइम हमारी शादी भी नहीं हुई थी, रोका भी नहीं हुआ था, मैंने बहुत पहले इनके लिए बनाई थी और इन्होंने अभी तक संभाल के रखी है। हर सर्दी ये जुराबे पहनते हैं और मैं हमेशा इनको याद दिलाती हूँ, देखो मैंने आपको इतने प्यार से बनाई है, और ये मेरे को चढ़ाते हैं फिर भी। मेरे को फिर भी चढ़ाते हो ये, मैं बताऊँ कब बनाई है? जब हाँ। हम पहली बार आप लोगों को घर आए थे मिलने, रिश्ता लेके। ये तब बना रही थी तू उस वक्त। यस देखा, याद है आपको? ऐसे हम लड़कों को बदनाम कर रखा है कि हमको कुछ याद नहीं होता, कोई तारीख याद नहीं होती। इनको सब याद होता है गाइस, ये बस एक्सप्रेसिव नहीं है, मेरे को तभी गुस्सा आता है। देखो गाइस मिलेगी कहाँ ऐसी, मेरे को पत्नी मिलनी थी कहीं। मैंने इनको यही बात बोली कि आपको ऐसी पत्नी नहीं मिलनी थी, कहीं ढूंढ के भी नहीं मिलनी थी, ठीक है ना? कितनी इजीली मिल गई ना तुम मुझे। पति भी अच्छा मिला है, वो तो मेरे सास ससुर से पूछो कि जवाई उनका कितना अच्छा है, ठीक है ना? तुम्हें तो कदर है नहीं, मेरे सास ससुर को तो कदर है। सास ससुर को पूछो, अच्छा पति मिला है तुम्हें। चलो यार अच्छा तो मिला है, मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना, मेरे चॉकलेट खाने का बहुत मन है। मैं अभी थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, अभी शाम हो गई है, तो एक दो चीजें लेके आनी है, बाकी इसकी जो फरमाइश है भाई वो ले आते हैं। अगर मैं टोपी गुम गई यार, रुको अगर मेरे को चॉकलेट नहीं लाई मैं नाराज हो जाऊंगी। ठीक है फिर जब आप आओगे ना, अगर चॉकलेट नहीं फिर मैं नाराज। तुम मेरे से बाद में बात नहीं करोगी ना? ना शुक्र है कुछ टाइम तो शांति से निकलेगा गाइस।
डुगू जी ने मजाक कर रहा हूँ, डुगू जी मजाक 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 यार तू जवाक है छोटा जा है ना। ओए दंदी नहीं बढ़ती, आ देख लो गाइस, अच्छी दंदी मारूंगी, ये देख लो गाइस 24 साल की होगी और ये हरकतें हैं इसकी। ला दूंगा यार, ठीक है रजाई से मत निकलना बाहर, बहुत ठंड है और बच्चे पकड़ने वाले फिर रहे हैं, ठीक है पकड़ के ले जाएंगे तुम्हें, तुम मत जाओ फिर बाहर डुगू। बच्चे पकड़ने वाले फिर रहे हैं, बड़ों को पकड़ने वाले नहीं, तुम बच्ची हो सो जाओ यहाँ पे, चलो आराम करो। बच्ची क्यों बोलते, मैं इतनी बड़ी हूँ ना, आपको पता है, आपको पता है मैं मुक्की भी नहीं जोर से मारती हूँ, मेरे बच्ची मत बोलो। इसकी हरकतें लग रही है, रोज मेरे से मार खाते हो, गाइस एवी नहीं लोग शादी करते कि बीवी मारती है, बीवी मारती है, अरे पागलो रोज सड़ी ना मारते, कभी कभी मारती है। चल ठीक है यार और गाइस ये व्लॉग हम लोग यही एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, बाय बाय, लव यू।